दोस्तों पहली बार नेपाली टीम खेलने जा रही है हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस। दोस्तों अब हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस के बारे में अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं, ये बिल्कुल ही जुदा, एकदम डिफरेंट, एकदम यूनिक फॉर्मेट है। दोस्तों हमने अभी तक देखा T20, हमने अभी तक देखा वनडे, हमने अभी तक देखा टेस्ट क्रिकेट, लेकिन ये जो एक क्रिकेट का फॉर्मेट है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि बस गली क्रिकेट फॉर्मेट है दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि इसको सैंक्शन किया गया है दोस्तों, इसको ऑथराइज किया है ICC ने। तो ICC का एक इवेंट है, ICC का एक पार्ट है दोस्तों कह सकते हैं हम। और ये ऐसा नहीं है कि बस जो एसोसिएट नेशंस है वही खेलती हैं, बिल्कुल नहीं है, ये खेला जाता है टेस्ट नेशंस के द्वारा दोस्तों। और यहाँ पर एसोसिएट के नाम पे अगर हम बात करें तो हांगकांग है, और जो दूसरी टीम होने वाली है वो नेपाल टीम होने वाली है। तो एक नेपाली टीम के लिए, हर एक नेपाली के लिए गर्व की बात होगी कि वो टेस्ट नेशन के साथ में यहाँ पर खेलेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर पूरे जो 11 प्लेयर हैं वो नहीं खेलेंगे, बल्कि ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है दोस्तों, ये 6 प्लेयर्स का गेम है, जहां पर एक जो विकेट कीपर को छोड़कर 5 प्लेयर्स बॉलिंग करते हैं, एक है जो विकेट कीपिंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट जो है बिल्कुल काफी ज्यादा डिफरेंट है, जैसा मैंने बताया था। तो 5 ओवर्स का गेम होता है दोस्तों, और फाइनल जो ओवर्स होता है, जो फाइनल में खिलाए जाते हैं, वहां पर 8 ओवर्स किए जाते हैं। बाकी जितने भी आपके टूर्नामेंट है उसमें जो मैचेज हैं दोस्तों, वहां केवल 5 ही ओवर्स कराए जाते हैं दोस्तों। और आपको इसमें बता दूं, बड़ी रोमांचक चीजें हैं इसमें, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक जो प्लेयर होता है दोस्तों वो केवल 31 रन ही बना सकता है, उससे ज्यादा रन नहीं बना सकता। अगर 31 से पहले अगर आउट हो जाता है तो आउट हो गया, लेकिन आउट नहीं होता है तो उसको डिक्लेयर देना पड़ता है अपने आप को, फिर उसके बाद दूसरा प्लेयर आके खेलता है। और इसमें 2-3 और चीजें हैं, जैसे कि अगर रिटायर्ड हो जाता है, मतलब अगर ओवर है अभी तक बाकी है, तो वो जो रिटायर्ड हुआ है बंदा, वो बाद में फिर आकर भी बैटिंग कर सकता है। और यहाँ पर गली क्रिकेट वाली एक और चीज है यहाँ पर, कि आखिरी का जो बैट्समैन रहेगा वो भी बैटिंग कर सकता है, और जो दूसरे छोर पे रहेगा वो दोस्तों एज ए रनर रहेगा, बस रनर का काम करेगा, बैटिंग नहीं कर पाएगा दोस्तों। और दूसरी बात, ये जो ग्राउंड है दोस्तों, वो भी छोटा सा ग्राउंड है, वो कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो रन भी बहुत ज्यादा बनते हैं इसमें, धमाकेदार गेम होती है। और यहाँ पर आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका 5 बार इसके विनर रह चुके हैं, और इंग्लैंड 5 बार रह चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से डोमिनेट किया है यहाँ पर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने, और उनके बीच में जब नेपाल की टीम खेलेगी तो दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आपको बता दूं दोस्तों, ये 7 साल के बाद में रिटर्न आ रहा है, मतलब लास्ट जो खेला गया था, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, 2017 में खेला गया था दोस्तों, फिर उसके बाद में कोई मैचेस नहीं हुए, कोई टूर्नामेंट नहीं हुए हैं दोस्तों। और 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक ये चलने वाला है, 3 दिन का बस टूर्नामेंट है छोटा सा, और नेपाल यहाँ पे खेलने वाली है। तो देखते हैं कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे जाएंगे, आपका अपना टीम बना देना 6 प्लेयर्स के दोस्तों, और देखते हैं कि हमारी जो प्रेडिक्शन है कितनी ज्यादा सही हो पाती है। बाकी मैं भी अपनी जो प्रेडिक्शन है वो कमेंट में जरूर लिख दूंगा दोस्तों। तो आज की इतनी छोटी सी जानकारी के साथ में आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।